साहिल साहब के और भाई फट्टे कैसे हालचाल चल रहे हैं? ठीक ठाक है साहिल साहब के फंटास्टिक। और आजकल चल क्या रहा है? साइज नाप के काम चल रहा है आजकल। और ये तो बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? मैं जा रहा हूँ डमरू की घरवाली को दवा देने के लिए। दवाई देने? हाँ। साइज नाप के, पर ये तो बता आजकल वो भाभी को परेशान तो नहीं करता? अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। मैंने ऐसा नुक्ता किया है कि अब वो खजूर के पेड़ की तरह सीधा हो गया और मस्त रहता है अपनी बीवी के साथ। मतलब इलाज कर ही दिया उसका साइज नाप के। हाँ भाई हाँ। ये तो वही हुआ कि आम के आम और गुठलियों के दाम। साइज नाप के। चलता हूँ। अच्छा। अभी देख रहा हूँ। याद आ गए? बहुत दर्द हो रहा है, अभी पुड़िया देता हूँ उसकी। हकीम जी तुम एक काम कर दो, मैं इस बीमारी से बहुत तंग आ गई, तुम एक ऐसी दवाई दे दो जो मेरे बच्चे ही ना हो। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इतने परहेज बताए, कभी परहेजों पे ध्यान दिया? अगर मेरे परहेजों पे ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। हकीम जी अब तुम्हारी सारी बातों पे ध्यान दूंगी, पर मुझे दवाई दे दो, मैं बहुत परेशान होगी। मेरे कर दे रे रे। हाँ।
और परहेज दोनों पे ध्यान देना। बिल्कुल ध्यान दूंगी अंजुम जी। ये लो। ये क्या है? दर्द की दवाई जो अभी हाथ और हाथ ठीक कर देगा। इसे कैसे लूं? गर्म पानी के साथ। हेलो। हेलो। हाँ सनी, कहाँ हो? मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ। दूर? कहाँ? बहुत दूर, बिजी। ओफो, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। अरे आज नहीं आ सकता। क्यों? बहुत काम है। तो मैं मेरी कसम। अब कसम दे दी है तो आ जाते हैं। अच्छा, तो मुझे बेवकूफ बनाया? जी हाँ, आपको बेवकूफ बनाया। ये क्या करते हो? भाभी देख लेगी। देखने दो ना, अब नहीं सहा जाता। पागल हो गए क्या? क्यों? अरे भाई, तुमने पागल बनाया मुझे, तुमने दीवाना बनाया, अब तुम जो भी समझो। अच्छा छोड़ो मुझे, चलो अंदर, भाभी राह देख रही होगी। अरे देखने दो ना। ये तुम्हें क्या हो गया सनी? पागल हो गया हूँ, पागल, दीवाना, आशिकी तारी हो गई मेरे ऊपर। जो कर देंगे। अरे जोकर तो भी बना बनाओ अपने घर का नौकर। अच्छा, तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। जैसे कि? जैसे झाड़ू, बर्तन, चूल्हा, सारा काम जो होते हैं घर के। जैसे कि झाड़ू, बर्तन, चूल्हा, सारे काम जो होते हैं। हाँ। मगर डार्लिंग एक बात तो भूल ही गई। वो कौन सा? चलो अंदर कमरे में चल के बताओ। अंदर भाभी है। ये क्या कर रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, ये क्या कर रहे हो? दीदी वो हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? प्यार करना कितना आसान होता है, कब से कर रहे हो? आपकी शादी के बाद से। और मुझे पता भी नहीं। वाह सन्नी वाह, बहुत अच्छे। क्या सोचकर प्यार किया? तुम्हें संस्कार, सभ्यता और इस समाज की कोई चिंता है? और तुम जानते हो ना सन्नी, ये मेरी ननद है। हम तो क्या, इस रिश्ते को कोई भी नहीं मानेगा, फिर भी। लेकिन लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं, तुमने अपने परिवार की मर्यादा, समाज के बंधन को सबको ताक पर रख दिया है। और धन्नो, तुमने क्या सोचकर प्यार किया था? तुम्हारे भाई और पिताजी इस रिश्ते को मानेंगे? कभी नहीं। लेकिन दीदी हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन देगा तुम्हारे इस प्यार को मान्यता? सन्नी तुम तो समझदार हो। मैं मानता हूँ दीदी, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मानते हो तो सुनो, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। तुम्हारे इस रिश्ते को ना तो ये समाज और ना ये परिवार कोई नहीं मानेगा। ठीक है दीदी, मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन धन्नो। धन्नो? धन्नो तो अभी बच्ची है, ना समझ है। लेकिन सन्नी तुम तो समझदार, तुम तो सब कुछ समझते हो। लेकिन दीदी मैं इस दिल का क्या करूं? आग लगा दो ऐसे दिल को जो समाज की मर्यादा को तोड़े। ठीक है दीदी, चलो अंदर चलो। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ, आगे से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो चलो अंदर चलो। नहीं दीदी, मैं घर जा रहा हूँ। चलो जाओ तो। और धन्नो अब तुम बोलो। मुझे माफ कर दो भाभी। ठीक है धन्नो, ये गलती वो गलती है जो सुधारी जा सकती है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम कितनी अच्छी हो भाभी। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। आज तुमने मेरे परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। आज तुम्हारे बड़प्पन से जो मेरे परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो रक्षा हुई है, उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उसका शुक्र अदा इसलिए करता हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी गुणवान पत्नी जो दी। शुक्रिया अदा तो हमारा करो। जो इतनी खूबसूरत पत्नी
हमने तुम्हें दिलाई साइज नाप के। तो ये तुम्हारी चाल थी? ये हमारी चाल नहीं, ये हमारी और भाभी की चाल थी। बेटे ये चाल नहीं बल्कि सही रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें पवित्र बंधन में बांधा गया ताकि तुम्हें जिंदगी का पता लग सके और ये भी जान सको कि जिंदगी का सुख क्या होता है। आप ठीक कहते हैं पिताजी, आज मुझे महसूस हो गया कि मैं गलत था और जीवन का सच क्या है। आज मैं आप सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा नहीं, माफी तो हमें आप लोगों से मांगनी चाहिए। हम शर्मिंदा है अपने बेटे के पर। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे मौसा जी, माफी मांगकर हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसमें सनी और धनों का कोई दोष नहीं है। जैसे डमरू अपने रास्ते से भटक गया था, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए शादी की गई, ऐसे ही इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सनी पहले माफी मांगो ये सबसे। अरे भैया माफी आप ही क्यों मांगता है साइज नाप के? सनी तुम दोनों के प्यार को देखते हुए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वाह फीता सिंह वाह। अरे फीता सिंह नहीं, फतेह सिंह बोल, फतेह सिंह।